रसोई विच काम करदे समय इन्हां 12 गल्लां नूं जरूर ध्यान विच रखो। नंबर 1, समोसे दा आटा गुंदे समय इस च थोड़ा जिहा चौलां दा आटा मिला लो, इस नाल समोसे कुरकुरे भी बनणगे। नंबर 2, नाश्ते च जे भटूरे होण तां खाण दा मजा होर भी वध जांदा है। घर च भटूरे बना रहे हो तां आटे च खमीर जल्दी बनाउण लई इस आटे च 2-3 स्लाइस ब्रैड तोड़ के पा दिओ, इस नाल खमीर जल्दी उठेगा। जां फिर तुसी इस नूं दही नाल भी गुण सकते हो। नंबर 3, दही वड़े बनाउण लई दाल पीस रहे हो तां इस च थोड़ी जिही सूजी भी मिला दिओ, इस नाल वड़े बहुत ज़्यादा नरम बनणगे। नंबर 4, टिक्की खाण दे शौकीन हो तां इस नूं बाज़ार चों लिआउण दी बजाए तुसी घर ते ही बनाओ तां बहुत बेहतर रहेगा। आलू टिक्की दे मिश्रण च 1 कच्चे केले नूं उबाल के उस नूं इस च मिला दिओ, इस नाल स्वाद भी वधिया आवेगा। नंबर 5, प्याज ज़्यादा कट लिया है तां इस नूं सुट्टण दी बजाए इस च थोड़ा जिहा नमक अते सिरका मिला के रख दिओ, तुसी इस नूं सलाद दी तरह भी खा सकते हो। नंबर 6, दुध फटन दा आवास हो रहा है तां इस च 1 चम्मच पानी अते 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा मिला के उबाल दिओ, इस नाल दुध नहीं फटेगा। नंबर 7, आलू स्टोर करने हन तां इन्हां च 1-2 गंढी लसन दी रख दिओ, आलू जल्दी खराब नहीं होणगे। नंबर 8, आलू नाल बने चिप्स नूं स्टोर करन लई इस च सुकी लाल मिर्च अते निम दीआं पत्तियां रख दिओ, इस नाल आलू चिप्स जो है बहुत देर तक लंबे समय तक चलणगे। नंबर 9, नींबू दे अचार च नमक दे दाने पै जांदे हन तां अचार च थोड़ी जिही पीसी हुई खंड मिला दिओ, इस नाल अचार दोबारा ताज़ा हो जाएगा। नंबर 10, अंब दा अचार बनाउंदे समय इन्हां दीआं फाड़ियां ते नमक अते हल्दी लगा के रखदे हन तां 1-2 चम्मच पीसी खंड भी उपर बरीक इसे तरह ही पा सकते हाँ, इस नाल अचार दे इलावा पानी भी निकल जाएगा अते अचार दी रंगत भी खराब नहीं होवेगी। नंबर 11, कुकीज़ स्टोर करदे समय डब्बे दे हेठां टिशू पेपर रख दिओ, ज़्यादा देर तक कुकीज़ फ्रैश रहनगे। नंबर 12, मिर्ची पाउडर नूं डब्बे विच भरन तों पहलां थोड़ी जिही हिंग पा दिओ, मिर्च पाउडर विच कीड़े नहीं लगणगे। उम्मीद करदे हाँ अज दी ही कुकिंग टिप्स तुहानूं जरूर पसंद आए होणगे ते तुसी भी जरूर अपनाओ। वीडियो चंगी लगी तां लाइक चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुलना। वीडियो देखण लई बहुत बहुत धन्नवाद जी।